हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीएल जोन। गाइस, यहां पे हम बात करने वाले हैं शॉर्ट एंड टेस्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का जो रिजल्ट है 2017 का, वो अनाउंस होने वाला है 24 नवंबर को। उसके बाद जो स्किल टेस्ट होने वाला है इसका, उसके लिए काफी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस कर तो रहे हैं यहाँ पे हमें, लेकिन चेक कैसे करें कि कितने यहाँ पे एरर्स हमारे पास में आ रहे हैं। तो एसएससी के लेवल का यहाँ पे मैंने टेस्ट लिया है ये। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पिछला टेस्ट हुआ था, ठीक है, एक मैं टेस्ट पहले भी ले चुका हूँ, और वहां पर हमने क्या किया था, टेस्ट लेने के बाद आपने मेरे को ये टेस्ट जिसका टाइप करके उसको सेंड किया था, उसको मैंने चेक किया, उसकी एक्यूरेसी मैच की थी। एक्यूरेसी निकालने के बाद आपकी परसेंटेज मैंने को बताई कि कितनी यहाँ पे आपकी एरर्स आ रही हैं। तो ये एरर्स जानने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कितने एरर्स आप निकाल रहे हैं और इसको आपको किस तरह से कम करना है। ओके, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि इस तरह का टेस्ट बहुत ही कम आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूट में, या तो ऑनलाइन कह सकते हैं। तो गाइस, आपको एक अच्छा मौका मिलता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं आप कितनी आपकी एक्यूरेसी चल रही है, कितनी आपकी एरर्स निकल रही है एसएससी के लेवल के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्किल टेस्ट के लिए, तो आपके लिए टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, तो ये हमारे पास में सेकंड टेस्ट है, और यहाँ बता दूं, जो भी यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनका हमारे पास में अब जो डिक्लेरेशन होने वाली है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद जो आपने नोटबुक में लिखा है उसको आपको कॉपी करके उसका पीडीएफ फाइल बना के मेरे को मेल करना होगा। उसी के साथ में जो आप इसको टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपको वो वर्ड की फाइल मेरे को मेल करनी होगी, और इस पेज को, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब का आपको स्क्रीनशॉट इसमें सेंड करना होगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने कुछ ऐसा बता रखा है जहाँ पे आपको ये क्या करना है, इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, मैं इस पे लास्ट में ये चीज बता रखी है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। I am indeed very happy to have this opportunity to be present at the inaugural ceremony of the 36th edition of the India International Trade Fair. This fair commences every year on 14th November, the birth anniversary of the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. The IITF is a mega projection of the new India that is fast taking shape. It showcases the vision of a glorious tomorrow, a spirit of excellence and achievement and unparalleled investment opportunity through the prism of the Make in India and Digital India initiatives taken by the Prime Minister. The fair symbolizes India's commitment toward bringing the benefits of economic reform to its people from all walks of life, especially the underprivileged. I am heartened to see the considerable presence of foreign companies at the fair. I would like to make a special mention of India's continued endeavor of empowering and bringing together all constructive forces for a better world. The recent BRICS summit has created a great reservoir of goodwill, which is vital for consolidating our economy and cultural linkages and social bonds with countries across the world. India has always believed in the stability and growth of our neighboring countries. Putting people first is the guiding philosophy of our development cooperation partnership. Focused on an agenda aimed at regional harmony, peace and prosperity, we look forward to working together in priority areas such as infrastructure, development connectivity, capacity building, education, healthcare, and the setting up of development projects. India is working with the
like-minded countries in multilateral organizations, including the United Nations, to play an enhanced role in diverse fora from the Arctic Council and the Pacific Alliance to the UN Security Council, where India has made a legitimate claim for a permanent membership. Apart from economic dimensions, I believe that a fair such as IITF provides an excellent opportunity to introspect on challenges, integrate minds, and prepare strategies for the mammoth task of nation building. As India strives to become a manufacturing hub in diverse sectors, it needs to increase its energy resources without compromising on the environmental aspects. Factors such as demography, development, and urbanization exert tremendous pressure on availability of resources. Large-scale utilization of resources impacts adversely on the environment. Industry, therefore, needs to adopt eco-friendly measures and technologies for the development of the people. As there is a considerable presence of foreign countries along with Indian states and union territories in the fair, I would like to share with you that a range to reform being currently undertaken, including GST, shall enable the states and union territories to compete with each other in attracting investment and business opportunities. Over the medium and long term, these reforms shall also hopefully result in job creation, thus contributing to the growth impulses of the economy. It is a matter of great satisfaction that the Ministry of Commerce and Industry has taken an excellent initiative toward improving the ease of doing business in India, with added emphasis on simplification and rationalization of existing rules, procedures, and processes. Government's recent initiatives on e-government have begun to show results in terms of more efficient and effective delivery of public services. I recall having been associated with ITPO and IITF while serving the government in different capacities. I am pleased to see it grow into a larger and more inclusive platform now. I take this opportunity to welcome the global business community who have converged here to further trade and business relations. It is encouraging to note that the IITF this year is seeing the presence of 7,000 participants, including representation from 24 foreign countries, almost all state union territories, apex public sector enterprises, and the MSME and other participants, with around 800 rural artisans and craft persons. I am told that the National Minorities Development and Finance Corporation is also participating, also with 100 artisans in this fair this year. I compliment ITPO for the theme of Digital India this year. Digital technologies, e-commerce, e-enable, and mobile services are major components of e-governance and will over time contribute significantly to GDP growth. We at the same time also need to make use of our abundant renewable resources to create a society that is self-sustaining and mindful of its responsibilities
towards the present and future generations. I believe that IITF will reinforce Indian brands that will in the first instance compete and win against the dominant international players in the domestic market before venturing overseas. I especially welcome our foreign friends, exhibitors, delegates and members of the diplomatic corps to this event, which is considered a microcosm of India, a land of vibrancy, culture, spirituality and peace. I extend my good wishes to all participants from India and overseas, especially the partner country, the Republic of South Korea. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका ये टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा. और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप टाइप करना होगा. टाइप करने के बाद आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है उसको एक पीडीएफ फाइल बना के या जेपीजी फॉर्मेट में, उसके साथ में आपको ये वर्ड फाइल आपको मेरे को सेंड करनी होगी. वर्ड फाइल कहाँ पर सेंड करनी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेल आईडी दे रखी है, उन दोनों मेल आईडी पर आपको ये सेंड करनी होगी. ओके गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इस मेल आईडी को, वहाँ पर आप जा सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं. और ये आपको सेंड करनी होगी वेडनेसडे तक. वेडनेसडे को सेंड करने तक आपको सैटरडे को इसका या फ्राइडे तक इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, और जो इसके गिफ्ट होंगे वो यहाँ पे अनाउंस कर दिए जाएंगे, किसको मिलने वाले हैं उसी दिन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो गाइस, आप अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के डैश में अगली बार और लेके आऊँ. क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे लोग तो मैं नेक्स्ट टाइम और लेके आऊँगा, अदरवाइज मेरा भी इंटरेस्ट इसमें कम हो जाएगा. ओके गाइस, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि SSC स्किल टेस्ट के लिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और काफ़ी आपको हेल्पफुल भी होएगा. तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो देख ली है एंड आपको पसंद आती है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वहाँ पर सब्सक्राइब कर दें. लाइक का ऑप्शन है, लाइक कर दें. शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर दें. एंड अनलाइक मत कीजिएगा यार. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.